हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। हमारा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वेच फलन का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करने का प्रथम मेथड बताया था। अब हमारा सेकंड मेथड है। स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन फंक्शन के रूप में दे रखे हो, अगर स्वेच फलन एक दे रखा है और जिन दो स्वतंत्र वेरिएबल में दे रखा है उनके रिस्पेक्ट क्या करेंगे, उस फलन का अवकलन करेंगे। एक एक फंक्शन दे रखा है तो एक बार अवकलन करेंगे, अगर दो फंक्शन दे रखे हैं तो दो बार अवकलन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना स्वेच फलन का विलोपन कर, सेकंड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फर्स्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो क्या करना है, स्वेच फलन इसका विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू है जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया जो क्या था, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू सेकंड मेथड का है। क्वेश्चन नंबर टू जेड इक्वल टू दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फलन का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको लिखते हैं जेड इक्वल टू दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, स्वतंत्र वेरिएबल एक्स है और स्वतंत्र वेरिएबल वाई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर एक दे रखी है इसका स्वतंत्र वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन कर रहे हैं वाई कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, एक फंक्शन है तो एक ही बार अवकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाइज समीकरण एक का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं पहले, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो टू एक्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है स्टूडेंट्स, यह है पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्मॉल पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा स्मॉल पी इक्वल टू एफ डैश 2x, नीचे ले आएंगे 2x f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या 2 इधर रख लेंगे x इसके नीचे ले आएंगे। समीकरण नंबर 2, अब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो x कांस्टेंट, तो दिस इंप्लाइज डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब x कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2y, तो इधर रख लेंगे y नीचे लेंगे, ये क्या होता है डेल z अपॉन डेल y पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट स्मॉल q है, तो यहां से आ जाएगा q अपॉन y इक्वल टू 2f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर लेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करेंगे तो p अपॉन x माइनस q अपॉन y इक्वल टू इधर भी 2f डैश इधर भी 2f डैश, तो इक्वल टू 0। अब x y लघुत्तम लेके 0 में चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा py माइनस qx इक्वल टू 0। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो किस रूप की है, कैपिटल p स्मॉल p प्लस कैपिटल q स्मॉल q इक्वल टू r इस रूप की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन करना है एज इट इज, कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है वो फर्स्ट मेथड का है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। क्वेश्चन नंबर इसका 4 और 5 एक जैसे हैं, तो एक मैं आपको करवा देती हूँ, एक आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला है।
समीकरण नंबर एक जहां पर स्वेच्छ फलन फाई का विलोपन कर आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करनी है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है हमारे पास, मानना फंक्शन जेड बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई के रूप का ही होता है। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर टू, समीकरण एक का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे वाई कांस्टेंट और जेड फंक्शन है एफ एक्स वाई का, तो यहां से आ जाएगा एल प्लस ये कांस्टेंट जीरो, यहां से आ जाएगा एन, जेड का आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि फंक्शन है एक्स वाई का फाइव डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और एक्स का आ जाएगा इंटू टू एक्स प्लस टू जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि स्ट्रेंड्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है स्मॉल पी, ये क्या है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट है, तो यहां से दिस इंप्लाइज एल प्लस एन पी स्मॉल पी इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, टू कॉमन ले लेंगे इधर भी टू टू बाहर आ गया, इधर बच गया एक्स प्लस जेड पी, ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख लेंगे एल प्लस एन पी, नीचे ये वाला नीचे आ जाएगा एक्स प्लस जेड पी इक्वल टू टू फाइव डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। समीकरण नंबर तीन, एज इट इज वाई के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट अवकलन करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट जीरो, यहां से आ जाएगा एम प्लस एन डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसका टू वाई ये वाला टू जेड टू वाई प्लस टू जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू स्मॉल क्यू, तो आ जाएगा एम प्लस एन क्यू इक्वल टू फाइव डैश टू कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि इधर भी है यह आ जाएगा टू जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई टू बाहर ले लिया फाइव डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यह आ जाएगा टू वाई टू बाहर कॉमन आ गया वाई प्लस जेड ये क्या है स्मॉल क्यू, ये नीचे ले आएंगे इसके तो इक्वेशन बन जाएगी एम प्लस एन क्यू अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू टू फाइव डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। समीकरण नंबर चार, समीकरण तीन तथा चार क्या करने पर, समीकरण तीन माइनस समीकरण चार करने पर, ऊपर वाला समझ में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण तीन माइनस समीकरण चार, समीकरण तीन माइनस समीकरण चार से करेंगे तो आर एच एस दोनों की क्या इक्वल है, समीकरण नंबर तीन की ये वाले समीकरण नंबर चार की ये वाले, तो एल प्लस एन पी अपॉन एक्स प्लस जेड पी इक्वल टू एम प्लस माइनस करने पर एम प्लस एन क्यू, एम प्लस एन क्यू अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, इधर लेके जाएंगे दिस इंप्लाइज इक्वेशन बन जाएगी एम प्लस एन पी अपॉन एक्स प्लस जेड पी इक्वल टू एम प्लस एन क्यू अपॉन वाई प्लस जेड क्यू, इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इसका इधर कर लेंगे तो दिस इंप्लाइज यह जाएगा वाई प्लस जेड क्यू एम प्लस एल प्लस एल प्लस एन पी इक्वल टू इसका इधर कर लेंगे एक्स प्लस जेड पी यह जाएगा एम प्लस एन क्यू, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे वाई इंटू एल प्लस एन पी प्लस जेड क्यू का गुणा कर लेंगे एल प्लस एन पी इक्वल टू एक्स का गुणा कर लेंगे एम प्लस एन क्यू प्लस जेड पी एम प्लस एन क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सोल्व कर लेंगे इसको, सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी वाई एज इट इज रख लेंगे एल प्लस एन पी प्लस गुणा करेंगे जेड क्यू एल प्लस एन जेड पी क्यू इक्वल टू एक्स एज इट इज रख लेंगे एम प्लस एन क्यू प्लस जेड एम जेड पी एम जेड पी प्लस जेड एन पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स,
ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पर वाई एल प्लस एन पी प्लस जेड क्यू एल इक्वल टू, इधर है एक्स एम प्लस एन क्यू, इधर है प्लस का एम जेड पी, इधर ले आएंगे ये एम जेड तो आ जाएगा वाई एल प्लस एन पी, इधर लेके आएंगे, इधर जेड है इसमें भी जेड क्यू है ये वाला क्यू जेड क्यू एल, तो इधर भी जेड है इधर भी जेड है, इधर लेके आएंगे तो जेड प्लस जेड बार कॉमन ले लिया, क्यू एल माइनस एम पी इक्वल टू एक्स प्लस एन क्यू। तो स्टूडेंट्स ये विलोपन होने के बाद हमारे पास क्या आ गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास ये वाली, जो क्या है दिए गए फलन का विलोपन करने के बाद ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, कर लेना आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जेड इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, दो फंक्शन दे रखे हैं, फलन इसका विलोपन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक, ये क्या है फंक्शन एक दे रखा है, तो एक बार अवकलन करने के बाद ए से गुणा बी से गुणा इक्वेशन सोल्व कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, इसका आंसर बता देती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी पी, इक्वेशन आएगी बी पी प्लस ए क्यू, बी पी प्लस ए क्यू, बी पी प्लस ए क्यू इक्वल टू टू ए बी जेड, ये वाला इसका आंसर है, कर लेना आप। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट सी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।